एक और अबंडेंट बिल्डिंग है, नाम तो लिखा नहीं है यार, आर्कोलॉजिकल साइट है बगल। मैं इधर लेफ्ट साइड में खुदाई में कुछ बात हाउस मिले हैं, और ये क्या है वो आपको भी दिखाते हैं। इसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, वैसे ही रखा गया जैसे मिला है। देख रहा हूँ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट माँ मघोकी आतोरी मॉस्क, ये भी मॉस्क ही है। हेलो, 20,000 फॉर एडल्ट, फॉर एडल्ट राइट, एडल्ट 20,000, चाइल्ड एंड अदर 20। ओके थैंक यू। तो ये देखो भाई, दिस इज आवर ओरिजिनल डोर्स। ओके, इसका टिकट का 20,000 प्राइस है, जो कि बनता है करीब मतलब कोई भी मॉन्यूमेंट आप जहाँ भी जाओगे पूरे बुखारा में, किसी का भी फ्री एंट्री नहीं है। 20,000 सोम बनते हैं, 100 रुपये के आसपास हैं, 100-150 रुपये बनेंगे आपके। 15,000 सोम दिए हैं मैंने ऑलरेडी, 200 कुछ रुपये पिछले वाले में, मतलब 1,000 रुपये से लेके 12-15 आपके मॉन्यूमेंट सिर्फ एक्सप्लोर करने में 2,000 रुपये तक आराम से 2 से 3,000 रुपये लग जाएंगे। उसके बाद आप पूरा उज़्बेकिस्तान मॉन्यूमेंट का सर्च करोगे, 2 से 3,000 रुपये तो लगेंगे। 2,000 रुपये क्या बता रहा हूँ मैं, जो मेन मेन है उनको आप एक्सप्लोर करोगे तो 2-3,000 रुपये जाएंगे। ये आर्कियोलॉजिकल साइट थी जो मिली है। ये नाला हर जगह पे आपको एक ही काम मिलेगा, देख लो भरमार एकदम। गुंबद देखो कितना बड़ा है। एक काइंड ऑफ स्क्वायर बना रखा है पूरा घूमने के लिए। ये लोगों के घर हैं, इधर जाने का मतलब नहीं बनता कोई भी। घूमने उमने के लिए अच्छा है, कॉरिडोर अच्छे बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं, खाने पीने का बना रखा है। मेरे पैरों ने अब जवाब दे दिया थोड़ा सा, तो पैरों में हो रही तकलीफ। चार मीनार जाने के लिए लंबी दूरी है, कम से कम 1.2 किलोमीटर की है जाना पड़ेगा। अभी देखो एक और है, मतलब जिस इलाके में मैं हूँ इसमें ना अच्छे खासे मॉन्यूमेंट्स हैं, आप एक एक्सप्लोर करोगे दूसरा एक और है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पाँचवा है। डोनट्स एंड कॉफ़ी देखो, पब्लिक गैदरिंग के लिए पूरा प्लेस रिक्रिएट कर दिया इन लोगों ने। जहाँ जहाँ पे ये मॉन्यूमेंट्स है ना मेन मेन, एक तो ये है, इसको बंद, इसको भी बंद कर रखा है। मेन चीज़ है मॉन्यूमेंट्स को ऊपर की एंट्री इन लोगों ने बंद कर रखी है मोस्टली जगहों पे। एक तो कुछ हड़दंगे ही जो होते हैं उनकी वजह से खतरा तो होता ही है कभी कभी गिरने उड़ने का। देखो खूबसूरत लग रहा है, बढ़िया प्यारा है। पब्लिक गैदरिंग बोटिंग के लिए भी रखा हुआ है। निकलते हैं यहाँ से बाहर, ये कैफे बने हुए सारे, बहुत कुछ मिला भाई रिकॉर्ड करने के लिए, बहुत कुछ। पूरा बुखारा दिखाऊंगा तो भाई हो जाएगा इसका, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे क्या क्या दिखाऊं, क्या काटूं क्या पीटूं, बहुत कुछ है दिखाने के लिए। मतलब प्रॉपर आप बुखारा घूमोगे ना आप अंदाज़ा लगा सकते हो जगह देख के यहाँ से कि मैं कहाँ पे हूँ कैसी जगह पे हूँ। अब ये पूरी मार्केट क्रिएट कर दी गई है, अब किसी मॉन्यूमेंट के अंदर नहीं जाना है भाई। ऑलमोस्ट सिमिलर हैं चीज़ें, कुछ ज़्यादा ही हटके होता या फिर ऐसा होता कि वाव फीलिंग दे रहा है तो मैं जाता, अदरवाइज आपको मतलब नहीं मिल जाने का। ये आमिर तैमूर, देखो सारी बिल्डिंग्स सारे मॉन्यूमेंट्स सेम ही हैं, और जो ये मॉन्यूमेंट है इसका नाम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो ये वाला है यह है नोदिर देवोन बेग मदरसा है, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं अपने शादी का। अंदर फिर से वही जाने का टिकट का लगेगा, देखते हैं अंदर का क्या है, कोई प्राइजेस है कि नहीं टिकट के। पीछे मैरिज सेरेमनी,
देखो आर्किटेक्चुरल मॉन्यूमेंट नौदीर बेबोन बेगी मदरसा 1622 में बना था। ये टिकट के लिए कुछ है ही नहीं, पहला जो ओपन कर रखा है तो कुछ ऐसा है, देख लो भाई। ये जितने भी छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं ना जिनमें गेट लगे हुए हैं ये सारे क्लासेस हुआ करती थी, छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। एक मदरसा ये है, एक मदरसा सामने है, एक मदरसा ये है, चारों तरफ सिर्फ मदरसे ही मदरसे हैं। तो अच्छा भी क्रिएट किया हुआ है, यहाँ बैठने उठने के लिए आराम से घूमो बैठो। मैं अभी जा रहा हूँ उज़्बेकिस्तान की गलियों से चार मीनार की तरफ। ये कुछ आसपास की गलियाँ हैं, मैं अपने किसी बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि थकान लग गई बहुत ज़्यादा पैरों में, सुबह से चल रहा हूँ। नेविगेशन करते हुए भाई अपने लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। देखो ये सब पुराने घर हैं, गेस्ट हाउस है। चार मीनार की हाइट थोड़ी सी लग रहा है मुझे कम है, देख रहे हो, नहीं तो दूर से दिख जाना चाहिए था। ऑलमोस्ट आ गए हैं, देखो आसपास का इलाका भी देख लो भाई कैसा है इनका है। एक चीज़ है, कार को छोड़ दो, बाइक तो मेरे को दिखी नहीं ना के बराबर एक भी मैंने बाइक नहीं दिखी। तो सिर्फ कार ही कार हैं, वो भी सिर्फ शेवरले ही है रोड पे, और जितनी भी वाइट शेवरले हैं वो सारी टैक्सीज हैं, और जितनी भी रोड साइड में खड़ी रहती है ना वो सब की सब टैक्सीज होती हैं। और वो खुद भी बोलते रहते हैं मिस्टर टैक्सी, मिस्टर टैक्सी, टैक्सी मिस्टर, ये बोलेंगे। और ये रहा चार मीनार, इसके चारों तरफ शहर बसा दिया गया है चार मीनार की तरफ। अब इसकी भी कोई एंट्री टिकट ना हो गया, वैसे तो ये बंद ही लग रहा है। ऊपर जो पार्ट थोड़ा सा नहीं लग रहा मैच स्टिक के जो लगते हैं देखने में कलरफुल वाले। भाई थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा मैं, बहुत थक गया हूँ। तो ये है चार मीनार, देख लो भाई चार मीनार हो गए, सारे मदरसे हमने कवर कर लिए। अब जो आसपास में कुछ और छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी वो देख लेंगे, नहीं तो जाऊंगा रूम पे आराम करूंगा, चार बज रहे क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं। सो ये आप देख रहे हो दिस इज़ द ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स इन अर्लियर टाइम एंड अभी जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सो ये पहले ना ट्रेडिंग का पार्ट हुआ करता था यहाँ पर, जब ये अपने समय की शान था, और ये सब इसके आसपास का एरिया था। यहाँ पे माइट भी पॉसिबल है कि शॉप्स हुआ करती थी छोटी बेचने के लिए, क्योंकि ये मेन ट्रेडिंग हब था। और ये प्यारी सी बिल्ली, खेलती हुई बिल्ली, चलते हैं भाई। तो बस यही है इसके आसपास का। एक वहाँ पे थोड़ा सा ये छोटे छोटे कमरे भी हैं, ये आई थिंक अलग से एक्सटेंड किए गए हैं। और ये पानी का सोर्स हुआ करता था यहाँ पे, सो कुछ ऐसा था पानी का सोर्स। और ये रहा चार मीनार, सो यही है अभी तक का। बाकी अगर मैं कहीं गया और तो बेशक वो भी चीज़ आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज़ मैं तो चला रूम पे क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। सो अभी मैं चार मीनार के अंदर हूँ। सो ये पूरा पार्ट है, और ये शॉप हर जगह पे ना शॉप दी हुई है, इसी के पास में ये एंट्री दी हुई था जाने के लिए। सो मैंने बार्गेन कर लिया एंट्री के लिए, 15,000 बोल रहे थे जो कि रिटर्न था, मैंने कहा 10,000 दूंगा मैं। सो कुछ ऐसा है, देख लो भाई दिस इज़ हाउ चार मीनार, माय गॉड, देख लो भाई। जब भाई मैं हूँ चार मीनार की बिल्डिंग के अंदर, कुछ ऐसा है देखो लो भाई। सी ये इनसाइड द बिल्डिंग, मैं सब दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से झरोखे हैं बाहर के, हाँ कुछ ऐसा है।
ये है ऊपर जाने का रास्ता। सो ये रही यहाँ की छोटी सी बालकनी। ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं या पहले से बनी हुई हैं पता नहीं। सो कुछ ये थी एंट्री चार मीनार की। देख लो भाई मैं हूँ अभी ऊपर मीनार के। ये नीचे का यहाँ से देखो व्यू है और ये आसपास का। सो ये है पूरी देखो मीनारे चार मीनार। ऊपर दो बर्ड्स का भी घोंसला दिखाया गया है। तो ये है नीचे का पूरा। भाई यार फोटो तो खींच ही नहीं पा रहा हूँ मैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है बट वीडियो बन रही है। तो भाई अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। मैं एक्चुअली जा रहा था एक वॉल पे जो वी शेप में बनी हुई है जिसे गेट ऑफ बुखारा भी बोला जाता है। सो उसके बीच में ही दो और अभी मदरसे बाकी थे वो ये रहे। एक ये मदरसा है और एक ये मदरसा है। इसका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ क्या है। इसकी कोई ख़ास देख रेख नहीं है। ये है आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट मदरसा अब्दुल खान 1587 से 1590 तक का। इसकी हिस्ट्री रही है। सो अभी मैं जा रहा हूँ उस गेट की तरफ और ऑलमोस्ट क्या मैंने एक एक मोन्यूमेंट जो है जिस पूरे बुखारा में है लाइन से कवर कर लिया है। एक भी मैंने छोड़ा नहीं है। रिकॉर्ड भले नहीं किए हैं एक से दो क्योंकि वो भी मदरसे थे। आई थिंक मैंने रिकॉर्ड किया है माइट बी शायद दो ना रिकॉर्ड किए हों। सो अभी मैं जा रहा हूँ ये लास्ट जो गेट है इस गेट के बाद अब सीधे मैं घर जाऊँगा क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है चल चल के। ऑलमोस्ट भाई 9 किलोमीटर तो मैं पहले चला हुआ था यहाँ आने के लिए 2 किलोमीटर और चला मैं 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर हो गए। थोड़ी देर और वहाँ देखूँगा वो भी घूमूंगा तो उसमें भी टाइम लगेगा और फिर उसके बाद करूँगा कैब क्योंकि भाई यहाँ पर बस का कोई सीन समझ में नहीं आ रहा। या इंडेक्स से कोई सिंक्रोनाइजेशन है नहीं बसेस का। आप ढूंढते रह जाओगे आपको कोई भी प्रॉपर बस नहीं मिलेंगी। जैसे कि आपका समरकंद में ताशकंद में इंडेक्स प्रॉपर वर्किंग है बट यहाँ पे काम नहीं करता ढंग से और ना ही गूगल पे आपको कोई लोकेशन मिलेंगे ढंग से कि कौन सी बस कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। बुखारा में आपको कोई अपडेट नहीं है। सो भाई आपको ज़्यादातर या तो फिर जैसे ही आप एक दिन यहाँ पर घूम लिया दूसरा दिन भी अगर आपको घूमना है तो बसेस को आप देखते रहो किस लोकेशन में कौन सी बसेस जा रही हैं। अपने लोकेशन में भी देख लेना कौन सी बसेस विजिबल है आसपास में तो फिर जब घूम के लौटो आप वो बस पकड़ लेना नियर बाय लोकेशन में उतर जाना। जैसे कि मेरी बस है 68 वो जाएगी मीडिया पार्क एक लोकेशन है वहाँ तक जाएगी। तो मैं आँख मुँह बंद करके बैठ जाऊँगा 2000 सोम दूँगा उतर जाऊँगा नहीं तो टैक्सी बुक करूँगा 12000-17000 सोम की ऐसे पड़ेगी। ट्रैवलर्स के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था या तो स्केट बोर्ड लेके चलो और आराम से रोड पे स्केट मार के चलते रहो कम से कम थकावट कम होगी और जहाँ पे आपको चलना है कंधे पर टांगो और निकल लो। इवन आपको वो बैगेज भी आप लेके आराम से बाय रोड जा सकते हो कोई टेंशन नहीं है। चलता हूँ सीधे वॉल पे मिलता हूँ आपको। सो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ। ये यहाँ से शुरुआत होती है गेट की इस वॉल की जिसे तालीपच गेट भी बोला जाता है। सो एक्चुअली ये इकलौता गेट नहीं था अपने टाइम में 16th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्टिफिकेशन में अंडर रूल ऑफ अब्दुल अजीज़ खान और शैबानिद डायनेस्टी ये इनके पार्ट थे सिटी गार्ड्स के तो उनमें से ये एक वॉल थी। और इसमें जो रिसर्चर्स थे ना उनको 11 सिटी गेट्स मिले थे जिसमें से 5 अभी बने हुए हैं और बाकी समय के साथ में नहीं बच पाए ये कुछ हिस्से रह गए हैं। और मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ ये उज़्बेकिस्तान का नॉर्थ साइड है मतलब अगर एक साइड एयरपोर्ट है तो मैं दूसरी उसके साइड पे हूँ बुखारा के दूसरी साइड पे हूँ और एक साइड पे है आपका एयरपोर्ट
ऑलमोस्ट मैं एंड लोकेशन पे हूँ, जहाँ से मैंने ड्रॉप लिया था मैं वहीं से पिकअप करूँगा, वो रहा उधर, उसके बाद से मैंने ड्रॉप लिया था। तो कुछ ये पूरी वॉल ऐसे दिखती है। ये जो गेट है इज़ द वन ऑफ द टू सर्वाइविंग गेट्स इन द सिटी ऑफ बुखारा। दे आर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट सिंबल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द एंशंट सिटी लोकेटेड। समझे आप लोग। सो ये है इसकी छोटी सी हिस्ट्री। 16th century से जब फोर्टिफिकेशन का काम शुरू हुआ था, तब ये 5 गेट्स बचे हुए हैं, जिनमें से एक ये है, बाकी और भी जगहों पे है। टोटल 11 गेट्स हुआ करते हैं उस समय के टाइम पे। और जैसे जैसे मॉडर्न सिटी बनती गई और मॉडर्न सिटी आती गई, मॉडर्नाइजेशन आता गया एंशियंट टाइम के बाद से, तो ये सब कुछ टूटता चला गया, निखरता चला गया। अभी जो है बस एक यही है गेट, उस एंड से लेके इस एंड तक का है, पीछे तक का है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेट। देख रहे हो सामने से, मतलब ये बहुत ब्रॉड था। एक ये आपकी सिक्योरिटी वॉल्स थी शहर के अंदर आने के लिए। सो देख लो आप खुद भी।